नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। अरे बैठते हैं, अरे बैठना। साहब आपका नोट तू रख ले। नहीं नहीं नहीं, अरे तू रख ले। अरे कुछ नहीं होता, तू रख ले। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं होता। अरे तू नहीं तो सही, कुछ नहीं होता, रख ले। अरे पी ले। नहीं नहीं साहब मैं पीता। पी ले ना। अरे यार नहीं नहीं, पी के तो दे, ले पी ले। वो पहले ऊपर। वेरी गुड। कंगू, तुम्हारे छोटे मालिक का स्वभाव कैसा है? क्या साहब, आप तो उनका दोस्त है, आपको नहीं मालूम? नहीं नहीं, शहर की बात छोड़ो, वहां तो रोज एक नई लड़की के साथ होटल में पड़ा रहा। यहाँ भी वही हाल है। अच्छा? हाँ। तुमने भी देखा? हाँ साहब, एक दिन दानी माँ ने उन्हें बुला लाने को भेजा। फिर क्या? अरे घर में क्या रखा है, लो थोड़ी सी पी लो। नहीं श्याम, घर वालों को अगर मालूम हो गया तो मेरी जान निकाल देंगे। क्यों डरती हो डार्लिंग, मैं जो हूँ तुम्हारी उम्र भर का सहारा, लो पी लो। नहीं श्याम, मुझे डर लग रहा है। अरे डर निकालने के लिए ही तो पिला रहा हूँ, लो पी लो। नहीं, पी लो डार्लिंग। नहीं, नहीं। बहुत दिनों तक यही चलता रहा, फिर जब गौरी मां बनने वाली थी तो उसने साथ छोड़ दिया। बेचारी गौरी ने उसके बाद कुएं में छलांग मार के अपनी जान दे दी। गौरी के भाई देवीलाल ने श्याम पर हमला किया, लेकिन श्याम तो बच गया और पुलिस ले आया। देवीलाल श्याम के लिए चिट्ठी छोड़ के गायब हो गया, आज तक उसका पता नहीं। चिट्ठी में क्या था? श्याम, मैं इसका बदला एक ना एक दिन जरूर लूंगा। फिर क्या, उस दिन से छोटे सरकार बंदूक लिए घूमते हैं। साहब मैं चलता हूं, बहुत देर हो गई, माँ जी डांटेंगी। अच्छा? जी हाँ, जय राम जी की। आई आई आ, अरे मर गए। हाँ, हाँ, ये खा, खाओ, खाओ, खा, खाओ ना, तुम मर जा। बाबा, वो जो गली में पुराना मकान है ना, वो क्यों हमेशा बंद रहता है? हरामखोर, क्यों गया था उधर? तुझे उससे क्या मतलब? मैं नहीं, रूपा दीदी पूछ रही थी। हाँ काका, मैंने ही पूछने को कहा था, क्या हुआ? देखो बिटिया, जब तक मैं खुद तुम्हें उस घर के बारे में नहीं बताता, तुम किसी से मत पूछना। क्यों काका? फिर कभी बताऊंगा। रूपा, एक वचन दे सकती हो? मुझ पे विश्वास नहीं है माँ, मुझे वचन चाहिए। वचन देती हूँ माँ, तुम्हें तुम्हारे बाबूजी की सौगंध। अच्छा माँ, बाबूजी की सौगंध, उस घर के बारे में कभी किसी से कुछ मत पूछना। क्यों माँ? जिसने भी पूछा उसका कभी भला नहीं हुआ।
किसने भेजा तुम दोनों को? उठ, किसने भेजा है? आज के बाद इस गांव में नजर नहीं आना चाहिए। राज बहुत ही गहरा होता जा रहा है, देखें अंजाम क्या होगा। नमस्ते। ओ नमस्ते, बैठिए बैठिए। शाम का कोई खत मिला? नहीं। मैंने उस दिन आपको एक खास बात नहीं बताई। क्या? शाम ने और मैंने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया था, उसमें हम लोगों को कुछ 10 लाख रुपए का फायदा होने वाला है और 25-30 हजार रुपए खर्च करने से वो पैसा हम लोगों को जल्द मिल सकता है। और वो पैसा लेने के लिए शाम आया था लेकिन वापस नहीं लौटा, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। इस बात को मुझे रास में रखना था लेकिन मजबूरन बताना पड़ा। क्या बिजनेस था? माफ कीजिएगा, ये मैं नहीं बता सकता। अगर वो पैसा मैं दे दूं तो शाम का हिस्सा मुझे मिल सकता है? जी नहीं, शाम का होना जरूरी है। कहाँ ढूंढूं मैं उसे? देखिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। अच्छा मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। अच्छा मैं चलता हूँ। क्या है? तो घर किसका है? ना बाबा ना वही के बारे में मत पूछो, आग वाली चुड़ैल खा जाएगी, बुखार आ जाएगा, मर जाएगा। हाँ। अरे सुनो तो सही। ना बाबा ना वही के बारे में पूछो। ओ भाई साहब, वही के बारे में मत पूछना। इस कुत्ते को गंगू ही सुलझा सकता है। कमेरा जी, कमेरा जी। अरे खोगू, क्या बात है? फोटो देता हूँ। दीदी कहाँ? घर में। ये ले, ये तेरी फोटो। ये ले तेरी दीदी की फोटो, दे देना। दीदी का तो फेंक दिया था ना? वो दूसरी थी। सुन, ये जाकर तेरी दीदी को दिखाना और जो कुछ भी बोले आके मुझे बताना, मैं गेस्ट हाउस में रहता हूँ। हाय राम, और रील फेंकने का कैसा नाटक किया? कुछ भी हो, तस्वीर तो अच्छी उतारी है। क्यों रे, कुछ कहा? बोला जो दीदी कहती है वो मुझे आके बोल। कहना दीदी बहुत नाराज है, मिली तो इतनी गालियां देगी, इतनी गालियां देगी। कितनी? इतनी। अच्छा ठीक है, दीदी से कहना शाम को ठीक 4 बजे झील के पास गालियां लेने के लिए आऊंगा। ठीक है, चल भाग। एक हुकू इधर आ, देख इसमें से एक पर्ची निकाल। सफेद रंग लिखाओ तो सफेद साड़ी और पीला रंग लिखाओ तो पीली साड़ी। निकाल। कुछ भी नहीं है, बिना साड़ी के जाना। हट बंदर। दूसरी निकाल। लाल और काला। माँ माँ। क्या है बेटे? मैं खोखू के साथ झील पे जा रही हूँ। अच्छा, जल्दी आना। अरे आज हमारी बिटिया ने नई साड़ी किस खुशी में पहन रखी है? अपने जन्मदिन की खुशी में। चल। अरे पगली, तेरा जन्मदिन तो मैं भी नहीं जानती, तू क्या जानेगी। Mm-hmm.
माफ कीजिएगा, बहुत देर हो गई, आपको बहुत इंतजार करना पड़ा। आपका कौन इंतजार कर रहा है, हम तो मछली पकड़ने आए हैं। इतनी बड़ी मछली काफी नहीं थी क्या? कौन सी? हम मछली पकड़ने आए हैं, मगरमच्छ नहीं। बैठ सकता हूँ? मना किसने किया है? ए खोगू, वो रुक जा, मैं तेरे पास आता हूँ। जितनी ढेर सी गालियां देनी है दे दीजिए, बांध कर ले जाऊंगा। रुमाल काफी नहीं? अरे पहले मालूम होता तो बोरी ले आता। कल मुझ पर बहुत गुस्सा आता ना? ऐसी शरारत पे गुस्सा किसे नहीं आएगा, वो तो एक बहाना था रूपा। मेरा नाम कैसे पता चला? जादू से। अच्छा, जादूगर का नाम? प्रकाश। काम बिजनेस शौक कहानियां लिखना, अन्नपूर्णा एस्टेट, शाम का गहरा दोस्त हूं। यहां आने का मतलब? आपसे मिलना। वैसे मैं और शाम दोनों एक बिजनेस कर रहे हैं, साथ लेके जाने को आया हूं, लेकिन सलाह गायब है। मुझे बहुत देर हो गई है, मैं चलती हूँ। अरे अभी तो आई हो, मुझे कुछ काम याद आ गया है। चल रे खोखो, कल मछली पकड़ने आओगी ना? हो सकता है, सुबह घूमने आ जाऊं। कैमरा नहीं लाए? कल तू अपनी दीदी को ले आना, मैं कैमरा ले आऊंगा। अच्छा शाम जब गांव में रहता था करता क्या था? वही बंदूक लेके घूमना और शिकार करना। गंगू वो जो लड़की थी ना गौरी, उसके खुदकुशी के बारे में दानी माँ ने शाम को कुछ नहीं कहा? अजी माँ जी ने उनको इतना डांटा इतना डांटा, मगर छोटे सरकार उनकी सुनते कहाँ हैं? माँ की बात नहीं सुनते? ओ बाबा, उन दोनों की आपस में बनती कहाँ है, हर वक्त झगड़ा। झगड़ा? हाँ साहब, जिस दिन छोटे सरकार के खून की खबर फैली थी ना, उससे एक दिन पहले माँ जी और बेटे में बड़ा जबरदस्त झगड़ा हुआ था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। फिर क्या हुआ? फिर झगड़ा वो समझ गया। ले। अरे नहीं 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 साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? लेना साहब, ये बड़ी बुरी आदत है। वो झगड़ा हुआ था ना, मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या देखा? छोटे सरकार दानी माँ से बोल रहे थे, माँ मुझे 20,000 रुपए चाहिए। 20,000 पेड़ों में लगते हैं क्या? तुम्हारी अय्याशियों के लिए मैं और रुपया नहीं दे सकती। तुम भी लोगों की बातों में आ जाती हो माँ, कॉलेज की लड़कियों को लेकर होटलों में जाते हो। मैं कहाँ जाता हूँ, वो मुझे ले जाते हैं। एक की जान तो ले ली, और कितनी लड़कियों की जान लेनी है? नेवर, जान खोने वाली लड़कियों का साथ ही छोड़ दिया मैंने। रुपया नहीं दे सकती शाम। लेने का तरीका मालूम है? क्या तरीका है? मुझे मार कर लोगे ना, वो भी हो जाए। तुम पर सारी दौलत लुटा कर भिखारी बनने से मर जाना ही अच्छा है। माँ को मार के नरक में जाऊं? और एक आसान रास्ता मालूम है? क्या? तुम्हारे और मिश्रा जी के तल्लुकात। शाम, बकुमत जी में आई? जी में नहीं आया छोटी माँ, आंखों के सामने आया था। परसों रात बस बिगड़ गई, आने में कुछ 10 बज गए। जैसे ही घर के पास आया तो बैटरी की रोशनी नजर आई, छुप के देखा तो कौन है, मिश्रा जी। फिर रोशनी घर के अंदर बुझ गई। कबाब में हड्डी क्यों बनू ये सोच के गेस्ट हाउस में जाके सो गया। अब तो रुपया दोगी ना? ना दूं तो? ना दो तो? उसके अगले दिन ही छोटे सरकार के खून की खबर फैली। बाद में दानी माँ ने क्या किया? दानी माँ ने फौरन मिश्रा जी के नाम एक चिट्ठी भेजी। किसके हाथ? मेरे। तूने चिट्ठी पढ़ी? नहीं, बंद थी। अच्छा गंगू, ये मिश्रा कैसा आदमी है? महामक्कार।
दानी माँ को फंसा के उनकी पूरी जायदाद हड़पना चाहता है। दानी माँ को ये सब मालूम नहीं? अरे साहब, दानी माँ को तो मंत्र मार के बांध के रखा है। मैं चलूं? कलो, और कुछ याद आए तो मुझे बताना। जरूर साहब। याद आने के बाद मैं चलूं। आए तेरे बाबा नहीं है? नहीं। कहाँ गए? खेत की तरफ। कितनी देर हुई? अभी तो गए। कब आएंगे? एक घंटे बाद। खगू, ये ले, मेरे लिए एक पैकेट खाना, और जो बच जाएगा अपने लिए चॉकलेट ले लेना। घर में कोई नहीं है। अरे मैं हूं ना, ये ले जा। अरे सुन सुन, आते जाते मोटर चलाना नहीं भूलना। जा। शाबाश खगो, बाबा को बोलना नहीं कि मैं आया था, समझ गया ना?